फ्रेंड्स, हमें खेलने कूदने के बाद में बाबू को लग गई थी भूख, तो बाबू खा रहा है यहाँ पे दूध ब्रेड। आज सोमवार है तो मेरा फास्ट था। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं ना अब सोमवार के व्रत नहीं छोड़ने वाली हूँ, मैं कंटिन्यू करने वाली हूँ। तो बस मेरा व्रत था और बाबू को मैंने दूध ब्रेड दिया, तो वो दूध ब्रेड खा रहा है बहुत मज़े से। वो भी नहा लिया है और बच्चा है, भूख लग जाती है। तो उसने आज 2 बार दूध ब्रेड खाए, उसको काफ़ी अच्छे लगे। काफ़ी दिनों के बाद उसने ऐसे दूध ब्रेड खाए थे, काफ़ी अच्छे लगे। मुझे भी तसल्ली हुई कि चलो उसने अपना पेट भर लिया है। और बाबू ना अभी बहुत परेशान कर रहा है अभी भी मुझे, और देखो वीडियो में भी मुझे बहुत परेशान कर रहा है। क्योंकि मैं यहाँ पे सोची थी कपड़े वगैरह सब रख देती हूँ तय बना उनू के, तो मैं आई थी यहाँ पे और बाबू मुझे बहुत परेशान कर रहा है। देखिए, तो मैंने शर्ट की तह बना के रखी, उसने बिगाड़ दी और अभी भी मुझे वीडियो नहीं बनाने दे रहा है। तो यहाँ पे मैं कपड़ों की तह बना रही थी। जैसा आप लोगों को अभी पता है, मैं अभी गांव गए थे हम लोग, तो मैं नए कपड़े जो है वो उठा के रख रही थी, और ये जो इनका यूनिफॉर्म है उसको भी तह वगैरह बना के रख रही थी। तो बस वही काम चल रहा था, एक हाउसवाइफ का यही है, वो कुछ ना कुछ लगी ही रहती है। यही मेरा है, तो बस मैं यहाँ पे लगी और बाबू देखिए मेरे पास ही है। और बहुत परेशान करते हैं सच में बच्चे, नहीं वीडियो बनाने देते। तो प्लीज़ आप लोग देख लीजिए, मैं वॉइस ओवर ज़्यादा नहीं करूँगी आज। बाबू बहुत परेशान कर रहे हैं मुझे आज। मैं सुबह को वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो रात में मुझे थोड़ा नहीं कर पाई थी मैं। तो चलिए आप लोग देख लीजिए। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे आज किया है मैंने कुछ चेंजेस, तो आप ज़रूर बताइएगा कैसा लग रहा है। बाबू के कपड़े यहाँ मैंने छोटे वाले हैंगर पे टांग दिए हैं, और अपने ऐसे रस्सी पे, और थोड़े से यहाँ कुर्सी पे रख दिए, क्योंकि कपड़े बहुत ज़्यादा हैं। हमारे रूम में कोई अलमेरा वगैरह नहीं है, तो हमें बहुत दिक्कत हो जाती है। बाबू के कपड़े छोटे हैं ना, हमारे कपड़ों में खो जाते हैं, नहीं मिलते हैं, क्योंकि कुर्सी पे रखने पड़ते हैं मुझे सारे कपड़े। तो बाबू के मैंने ऐसे हैंगर पे फ्रेंड्स, टांग दिए वेलकम हैं, और बैक टू अपने माई रस्सी चैनल। पे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत 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 अच्छे होंगे। और मैं अभी जो है ना बहुत सारा काम कर रही थी, आज मैं अपने घर के थोड़े से चेंजेस कर रही हूँ, क्योंकि कपड़े ना बहुत इधर उधर हो गए थे, बहुत ज़्यादा इधर उधर हो गए थे मैसी से। तो मैंने बाबू के कपड़े अलग लगा दिए, मैं आपको दिखा दूंगी कैसे लगाए हैं। और कुर्सी ना एकदम से कपड़ों से भर गई थी, तो कुछ कपड़े चुन चुन के मैंने बेड में रख दिए हैं, और पसीना देख सकते हैं आप, सिंदूर बह रहा है पूरा, क्योंकि कुछ काम करने बैठते हैं तो पसीना तो आता ही है। तो बस बाबू के कपड़े नहीं मिलते थे हमारे कपड़ों के बीच में, तो मैंने बाबू के कपड़े टांग दिए हैं छोटा वाला जो हैंगर सा होता है उसके ऊपर, और कुर्सी मेरी आधी खाली हो गई। बाबू इसको इसके ऊपर रख दो। अब बच्चे हैं ना, एक भी सामान अच्छे से नहीं रहने देंगे। मैं अभी उसको जमा के आई हूँ कपड़ा को, वो फिर से ख़राब कर देगा। क्या करें बाबू, छोड़ो उसको। जब तक हम तेज से ना बोले ना, इनको तो समझ में नहीं आता। प्यार से बोलूंगी ना तो ये तो और ज्यादा ज्यादा करेंगे, तो इसलिए तेज से बोलना पड़ता है। हट जाती, हट गया। अब कुछ और उठा रहा है, डब्बा डुब्बी दिखाती हूँ आप लोगों को। अभी कुछ सामान ही देखे नीचे पड़ा हुआ है, मेरा आटे का जो पैकेट है वो मुझे बाल्टी में डालना है, मैंने धोई है ना बाल्टी इसलिए। और बाबू को देखिए आप, मम्मी दे तो ये था।
क्या ये है, क्या है? ये था गाइस, जिसे बलून बनते हैं ना, वो साबुन के झाग वाले, ये वो था। इतने सारा एक दिन बेड पे गिरा दिया बाबू ने। बाबू हाय बोलो, हाय बोलो, हाय बोलो ना। देखो कुर्सी छोटा पे मैं अभी सही करके आई थी, इसने इधर उधर कर दिया है। वो जो थैला है ये वाला, इसके अंदर मुझे देखना है क्या सामान है। जो अच्छा सामान है वो मैं रखूंगी, जो अच्छा सामान नहीं है उसको फेंक दूंगी। और ये आटे का जो पन्नी रखी है, इसको मुझे बाल्टी में निकालना है। बाल्टी मैंने धो दी है, क्योंकि मैं धो के ही आटा भरती हूँ। तो बस देखिए अच्छा लग रहा है ना ये वाला पोर्शन, ऐसे आप लोग मुझे बताइए अच्छा लग रहा है। कुछ इस तरीके से मैंने कर दिया, मैं आपको नज़दीक से भी दिखा दूंगी। और अभी क्या बलून फुलाने वाला, आपने बेड पे गिरा दिया था उस दिन, सारा का सारा खराब कर दिया आपने। आप कुछ भी नहीं बचाया इसमें, नया लेके आ जाए। ठीक है नया लेके आएंगे, बट अभी नहीं लेके आएंगे, जब मार्केट खुलेगी तब लेके आएंगे। देखा आपने, इसने वो बॉटल जो है ना ग्रीन कलर का बेड के पीछे फेंक दिया। यहाँ पे ना थोड़ा सा है, मतलब ये देखिए जगह खाली है ना, यहाँ को फेंक देता है, तो उसको निकालना पड़ता है बेड के नीचे से। और यहाँ पे अभी जो कपड़े रखे कैप वगैरह, क्योंकि जैसे कि एकदम से मिल जाए तो मैंने यहाँ पे रखी है कैप, नहीं तो मिलती नहीं है कपड़ों में। कैप छोटी होती है तो नहीं मिलती, खो जाती है, इसलिए मैं यहाँ पे जो ये डंडा जैसा है ना, जैसे ये दिख रहा है ऐसा इधर भी है, उसके ऊपर ऐसे टांग देती हूँ तो एकदम से मिल जाती है। हाउस वाइफ को हर एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है, हमारी कौन सी चीज़ कहाँ है, कब देनी है, इसलिए। तो गाइस अभी मैं काम कर रही थी, टाइम हो रहा होगा अभी 4 साढ़े 4 के समथिंग, बाद में आप लोगों से अभी मिली हूँ, क्योंकि आज मेरा फास्ट है सोमवार का। मैंने क्या सोचा है पता है, कि मैं सोमवार का व्रत अब नहीं छोड़ूंगी, करती रहूँगी कंटिन्यू, क्योंकि मुझे अच्छा लग रहा है व्रत करना। तो मैं अब कंटिन्यू करूँगी सोमवार का व्रत, अब मैं नहीं छोड़ने वाली। तो वो अपनी अपनी श्रद्धा है, तुम करो मत करो ऐसे, तो मुझे अच्छा लग रहा है तो मैं कर लूँगी। और एक दिन में कुछ नहीं जा रहा है, क्योंकि भगवान को भी याद करना चाहिए, ज़रूर याद करना चाहिए। भगवान ने हमें बनाया है, तो जिसने हमें बनाया है उसे ज़रूर याद करना चाहिए। तो एक दिन तो कर ही सकते हैं ना व्रत, तो बस। और चलिए मैं चलती हूँ, मैं आपको मेरे अगले वीडियो में मिलूँगी डायरेक्ट, क्योंकि अभी मुझे थोड़ा सा काम हो रहा है। आटा पलटना है, थोड़े से बर्तन है वो धोने हैं, शाम का खाना बनाना है जो आप लोग के साथ शेयर करूँगी। और चार्जर ख़राब हो जाएंगे दोनों चार्जर, बच्चे कितने शैतान होते हैं यार। ये मेरा इतना शरारती है या आप सबके बच्चे भी ऐसे करते हैं? दोनों दो चार्जर है, दोनों को आपस में लपेट के खींच रहा है, तो वो टूट ही जाएंगे ना। बहुत ये बड़ा हो रहा है, पर 4 साल का हो जाएगा अभी, इस मंथ इसका बर्थडे है। इतना शरारती है, इतना शरारती, सच में बहुत। सब चीज़ें बेड पे गिरा देता है, सारी चीज़ें बेड पे गिरा देता है। एक दिन तो मेरा सिंदूर था, इतना बड़ा डब्बा जैसा सिंदूर, मैं उसको छिपा के रखती हूँ, पूरे बेड पे इसने सिंदूर सिंदूर कर दिया, खुद भी लाल भूत जैसा हो गया। सच में मुझे दुख हुआ, मेरा सिंदूर गिरा दिया इसने, बट बच्चा है, मैं क्या कर सकती हूँ। मुझे टंग दिखा रहा है अपनी, फ्रेंड्स को दिखाओ, आओ नहीं आएगा, ऐसे ही इधर उधर घूम रहा है। तो मैं सोच रही थी कि बाबू के लिए भी थोड़ा सा स्पेस हो जाएगा, क्योंकि बच्चे को चाहिए खेलने के लिए। बस थोड़ा कुछ चेंजेस करने का सोच रही हूँ, हो जाए अच्छे से। आप लोग को बताइए, आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइए आप लोग। तो चलिए मैं चलती हूँ, मैं मेरे अगले वीडियो में क्या बोलती रहती हूँ मैं, तो मैं मेरे अगले वीडियो में मिलूँगी आप लोगों से। वेट कीजिएगा, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मुझे आप लोगों की हेल्प की बहुत ज़रूरत है। क्या उठा के लेके आया, दिखाऊँ आप लोगों को? अभी दिखा, ये देखिए उठा के क्या लेके आया बच्चा, प्लास और अपना ये पीडियाश्योर का डब्बा, ये जो इसको देती हूँ दूध में। मैं इस बातों में तो बातें आती रहेंगी, चलिए मैं चलती हूँ, मिलती हूँ मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब लाइक और वीडियो को फुल वॉच कीजिए। बाय बाय। तो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं चद्दर का हाल, सब कपड़े इधर से उधर कर दिए हैं बाबू ने। सारा का सारा सामान मैंने अभी सेट किया था थोड़ी देर पहले, और अभी मैं फिर से करूँगी, क्योंकि ये ना सब फेंक देता है, सब फेंक देता है इधर से उधर। अब ये उठा लेता है थोड़ा भारी सामान, तो इसको ये सब फेंकने में बड़ी आसानी हो जाती है। तो देखिए मैं इसको ठीक कर देती हूँ, देखिए यहाँ पे मैंने बड़े अच्छे तरीके से लगा दिया है दोबारा से, सारे टैडी कपड़े सब रख दिए, चादर अच्छे से साफ़ कर दिए।
अच्छा लग रहा है ना। और यह है क्लिप शाम की, जब मेरे हस्बैंड आए थे तो ये पेस्ट्री लेके आए थे और बाबू यहाँ पे फिर से दूध ब्रेड खा रहा था, इतने में मेरे हस्बैंड आए और ये पेटी पेस्ट्री लेके आए, पेस्ट्री बोलते हैं ना शायद इसको, तो मैं इसको खोल रही थी और देखी बाबू ना, उस बाबू ने फाड़ ही दिया इसको। तो देखिए मैं आपको दिखाऊंगी खोल के। और आज बाबू के लिए वो ले आए, वो बोल रहा था केक लेके आना, तो वो ये ले आए। ये देखिए, ये एक चॉकलेट वाला है और दो थे वाइट वाले। तो देखिए बाबू खा रहा है, बोल रहा है ये क्या है मम्मा, ये क्या है। मैं बोली ये तो मुझे भी नहीं पता है ये क्या है। तो देखिए दो ये वाली हैं वाइट वाली और एक है चॉकलेट वाली। तो आइए फ्रेंड्स, आप लोग भी खा लीजिए पेस्ट्री। और फ्रेंड्स मैं चलती हूँ, मिलती हूँ आपसे मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। पहले मैं आपसे बाय बोल चुकी हूँ, फिर से बोल रही हूँ बाय।